हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ मशरूम की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने मशरूम को अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से कट करके रख लिया है। एक बड़े साइज का प्याज लिया था, उसको भी हमें इस तरह से काट लेना है। तो मशरूम और प्याज को हमें हल्का सा फ्राई करना है। मसाले लिए हैं 2 चम्मच, मैंने साबुत धनिया लिया है, 4 से 5 लाल मिर्च, 2 चम्मच बेसन, हल्दी और 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 टमाटर, 1 प्याज और 8 से 10 लहसुन की कलियां। तो इन सब का हमें पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लेंगे धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और बेसन। तो इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। ऑयल गरम है, मशरूम और प्याज को हल्का हल्का सा तल लेते हैं। मशरूम और प्याज को मैंने तल लिया है, इस तरह से ही तलना है। ऑयल गरम है तो ऐड कर देंगे जीरा, सूखी लाल मिर्च, मसाला भी हमने पीसा है, मसाले को अच्छी तरह से भूनने देंगे जब तक कि ऑयल ना छोड़ने लगे। आधा चम्मच देगी मिर्च डाल देंगे कलर के लिए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो ऐड कर देंगे हरी मिर्च, आधा चम्मच किचन किंग मसाला मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिक्स कर देंगे। ऐड कर देंगे मशरूम और प्याज, अगर आपको इसमें करी रखनी है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। तो 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल सिम गैस पर पकाएंगे। तो हमारी मशरूम की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी मशरूम की सब्जी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी मशरूम की सब्जी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गैस को कर देते हैं बंद और डाल देंगे हरा धनिया।